ओम नमस्ते जी, मैं अग्नि देवारी है। आज का हमारा विषय कि सिर्फ 6 बातें मान ले आप बहुत अच्छे ब्रह्मचारी बन जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। कई कहते जी ब्रह्मचर्य की शुरुआत कैसे करें, ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें, ब्रह्मचर्य पालन में क्या क्या करना होगा, इन सब बातों के जवाब मैं इस वीडियो में दे दूंगा। और सुनिए, ये वीडियो मुख्य रूप से वैसे तो सबके लिए है, पर इसमें मैं बच्चों को फोकस करके चलूंगा ताकि हम बच्चों जो बच्चे अभी हैं वो नहीं बिगड़े हैं, वो आगे ना बिगड़े, उनको मुख्य फोकस इस पर रखेंगे। देखिए मैं सीधा बच्चों से ही वार्ता करता हूं। देखिए जो छोटे बच्चे हैं, आपका जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होगा, आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, मुझे जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य बनाते हैं। आजकल बच्चे कोई कहता मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता मुझे IAS बनना है, कोई IPS, कहता कुछ कुछ सोचता है। लेकिन एक बात बताओ, यदि हमारा ये शरीर अच्छा ना हो तो क्या हम कड़ी मेहनत कर पाएंगे? यानी कि कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, और कड़ी मेहनत तब कर पाओगे जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, जब आपकी ये गाड़ी अच्छी होगी, शरीर रूपी गाड़ी। और ये गाड़ी ये शरीर तभी अच्छा रह सकता है जब आप ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। तो इसलिए भीष्म पितामह जी ने कह दिया कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करेगा उसे अपने जीवन के सब लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। कोई भी ऐसा शुभ गुण नहीं है जिसे वो प्राप्त करना चाहे एक ब्रह्मचारी और ना प्राप्त कर सके। तो ब्रह्मचर्य के लिए क्या क्या करना है, तो सुनो, सबसे पहला नियम क्या है। सबसे पहली बात है, प्रिय विद्यार्थियों, छोटे बच्चों, आपको अपना पेशाब करने वाले स्थान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपके मित्र, आपके सहपाठी और लड़के आपको सिखाएंगे कि जो पेशाब करने का स्थान है, जो मूत्रेंद्री है, उसके साथ छेड़छाड़ करने से मजा आएगा, लेकिन उनकी बात कभी भी मत मानना। जीवन का खेल बिगड़ जाएगा, खेल। यदि तुमने एक बार भी ये गलती की ना तो मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो उसके साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ पेशाब करने के लिए वहां हाथ लगाना है, फालतू उसके साथ कोई रगड़ आदि नहीं करनी है। दूसरी बात है, यदि आपकी कक्षा में लड़कियां पढ़ती हैं तो लड़कियों के साथ कोई ज्यादा संपर्क नहीं रखने। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो अध्यापक के साथ शेयर करें या अपने किसी लड़के साथी के साथ करें। लड़कियों के साथ मित्रता नहीं रखनी, यही लड़कियों के लिए है। लड़की लड़कों के साथ मित्रता मतलब किसी तरह के ज्यादा संपर्क ना रखे। लड़की को बहन के बिना नहीं बोलना, बहन, दीदी, सिस्टर या जो भी आप बोलते हैं। तो इसी तरह लड़की भी लड़के को भाई के बिना ना बोले। तो दूसरी बात समझ में आ गई ना, सीधी सी बात है, लड़की के साथ दोस्ती नहीं करनी है, ठीक है, बहन के बिना नहीं बोलना है, वरना जीवन खत्म हो जाएगा, खत्म। दूसरी बात क्या होगी, पहली बात जो पेशाब करने वाला स्थान है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, दूसरी बात है लड़की को बहन के बिना नहीं बोलना है, लड़की से दोस्ती नहीं करनी है, तीसरी बात आपको कोई भी गलत वीडियो नहीं देखनी है, कोई गलत बात नहीं सुननी है, ना कोई गलत बात गंदी बात पढ़नी है। आजकल ये मोबाइल में बहुत गंदी गंदी बातें चली हुई हैं। कोई आपका मित्र आपको कोई अश्लील गंदी वीडियो दिखाए, एक बार भी मत देखना। यदि आपने देख लिया तो आपके मन में बुरे संस्कार पड़ जाएंगे और उनको काटना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। एक बार भी कोई अश्लील फिल्म दिखाए तो कह देना कि नहीं, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है और मैं इन फालतू की चीजों में अपना जीवन खराब नहीं कर सकता, अपना जीवन खराब नहीं कर सकती। तो मोबाइल में कोई भी गंदी वीडियो कभी भी मत देखना। कोई देशभक्ति या कोई हो तो देखो, वरना नहीं देखनी। कोई भी किसी तरह कोई भी अश्लील बेकार चीज नहीं देखनी है, ठीक है। तीसरी बात समझ में आ गई ना, क्या तीसरी क्या आई, मोबाइल में कोई गंदी फिल्म नहीं देखनी, कोई गंदी बात नहीं सुननी है, ना कोई गंदी चीजें पढ़नी है। और चौथी बात क्या है, चौथी बात है कि गलत मित्रों का संग नहीं करना है। जो आपके मित्र गंदे हैं, बेकार की बातें करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लड़कियों के बारे में इधर उधर की बातें करते हैं, या लड़कियां हैं आपकी सहेली कोई बेकार की बातें करती है, अपने बॉयफ्रेंड आदि का जिक्र करती है, तो ऐसी लड़कियों के फ्रेंडशिप पर कट मारो, उनके साथ दोस्ती नहीं करनी है। अच्छे मित्र रखने अपने, अच्छे मित्र। एक माँ ने पूछा अपने बेटे से, नहीं, एक बेटे ने पूछा अपनी माँ से कि माँ मैं कैसा हूं, तो उसकी माँ ने कहा बताओ बेटा तुम्हारे मित्र कैसे हैं, जैसे तुम्हारे मित्र वैसा तुम्हारा चरित्र। तो इसलिए मित्र अच्छे रखें, गलत मित्रों का साथ नहीं रखना है, उनसे तो बेहतर है अकेले रहो। तो ये चौथी बात भी समझ में आ गई ना। पांचवी बात, ये फास्ट फूड, ये बाजारू सामान है, ये चीजें नहीं खानी है, इससे क्या होगा आपका मन बिगड़ेगा। सामान कौन सा खाना है, प्राकृतिक परमात्मा की बनाई हुई चीजें या घर में बनाई हुई चीजें, ये कुरकुरे, चाउमीन, हॉट डॉग, ये पानी के पतासे, समोसे, ये वो, ये चीजें नहीं खानी है,
वरना ब्रह्मचारी नहीं रह पाओगे। सात्विक भोजन करना है, घर का बना हुआ भोजन करना है। तो इसलिए पांचवी बात है अच्छा भोजन करना। और छठी बात क्या है, सुबह लेट नहीं उठना है, जल्दी उठना है। जो सुबह देर से उठेगा वो ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। सुबह जल्दी उठना है, परमात्मा का ध्यान करना है और प्रतिदिन व्यायाम करना है। यदि आप ये छह बातों का पालन कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे ब्रह्मचारी बन जाएंगे। और जो ये बड़े नौजवान साथी वीडियो देख रहे हैं भाई, इस वीडियो को बच्चों को दिखाना है और आप भी बच्चों को बार बार ये छह बातें समझाते रहना है। और अगली वीडियो में एक दो दिन में डालूंगा कि बच्चों को गलत बातें में कैसे लोग फंसाते हैं, उनका ब्रह्मचर्य नाश कैसे करते हैं। मैं उस सारी बातें बता दूंगा कि बच्चे इन बातों का पालन करेंगे तो कभी भी इन बुरी चीजों में नहीं फंसेंगे। तो बच्चों कैसे फंसाया जाता है और उनको कैसे बचाना है, ये अगली वीडियो में होगा। धन्यवाद, नमस्ते जी।